हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनएकेडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनएकेडमी। देखिए, हमारा जो इस सेगमेंट में हमारा पूरा जो फोकस है वो रहेगा MPSI के ऊपर। ये जो एक बैच शुरू हुआ है, इस बैच में हम आपको MPSI की तैयारी 45 डे में 45 दिनों के अंदर पूरी कम्प्लीट करवाएंगे। इसमें अलग अलग फैकल्टी आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको कवर करवाएंगे, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो इस कोर्स को शुरू से आखिर तक फॉलो करते रहे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी संबंधित इसी टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी वीडियो आने वाले हैं सारे आपको समय पर मिलते रहे, ठीक। साथ ही अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आपको उसके भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, तो बढ़ते आगे, और इसी सेगमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक। चलिए तो देखते हैं क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। आज का हमारा टॉपिक है इस कोर्स में, जिस कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, इस कोर्स का नाम है लक्ष्य MPSI 2020। देखिए, 45 डे के अंदर आपकी तैयारी कंप्लीट करवाना है हमें। और यहाँ पर हम आपको देखिए, मॉर्निंग में 7 AM पे रूप सर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हैं रूप सर, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में 1 बजे ये लेक्चर डलेगा, और ये है श्याम सर। 3:30 पर आपके सामने आ रहा हूँ मैं, ठीक है, भूपेश पालीवाल GK को लेकर। 5 बजे आ रहे हैं आपके सामने शोएब अहमद सर मैथ्स और रीजनिंग लेकर, और तरुण शर्मा सर, डॉक्टर तरुण शर्मा सर जो है वो आ रहे हैं शाम को 7 बजे। तो इस प्रकार से आपको दिन भर SI के लिए प्रॉपर 5 लेक्चर डेली बेसिस पर YouTube पे दिए जा रहे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पूरा सेगमेंट। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो मैं आपको बस इतना एडवाइस दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपको पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको पता होगा कौन सी क्लास कितने बजे लगेगी, ठीक। तो ये ज़रूर करें आप लोग। चलिए, तो आज का जो मेन टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसको शुरू करने से पहले सबने ये इमेज जरूर देखा होगा, बार बार ये इमेज हर जगह देखा होगा। तो ये जो इमेजेस होते हैं, देखिए, आपको ये चीज़ समझना होगी कि जो इतिहास है आपका, जो भारत का इतिहास है, जो हिस्ट्री है आपका, वो कहाँ से कैसे आपको पता चला कि पहले ये किया होगा, पहले ये कार्य हुए होंगे, या फिर पहले की घटनाओं में ये चीज़ें शामिल है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने इतिहास को पढ़ने समझने के लिए अपनी एक अलग ही क्या है थ्योरी दे रखी है। उसी थ्योरी के अंदर देखो दो चीज़ें चलती है। दो चीज़ें कौन सी है ध्यान से देखो, एक है वैज्ञानिक साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य बोले तो साइंटिफिक जो प्रूफ है उसके अंदर क्या आएगा, जब खुदाई करेंगे कहीं की, जब कहीं से खुदाई करेंगे या कोई पत्थर मिलेंगे, शिलालेख मिलेंगे, तो ये वैज्ञानिक साक्ष्य है, क्योंकि उन पत्थरों से, उन खुदाई करे हुए शिलालेखों से, ठीक है, अभिलेखों से उन्हें पता चल जाता है हमें कि वो जो लिखा हुआ है वो कितने साल पुराना है, ठीक। तो ये ज़्यादा प्रूव्ड रहता है, ज़्यादा ऑथेंटिक क्या है आपका वैज्ञानिक साक्ष्य। दूसरा है महाग्रंथों में, दूसरा इतिहास का साक्ष्य क्या है महाग्रंथों में। तो आप नोटिस करिएगा, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है, ये इनके बारे में जो जानकारी है, ये जिस जिसमें जो बातें लिखी हुई है, ये सारी जानकारी रहती महाग्रंथों में। बट इसके कोई ऑथेंटिक ईयर नहीं है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि कब से ये लिखे हुए हैं और कितना सही लिखा हुआ है। इस कारण से इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं रहती। तो इस प्रकार से हमारे इतिहास को 2 भागों में डिवाइड किया है। ये जो तस्वीर या जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये हड़प्पाकालीन मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी ये मूर्ति, ठीक। तो ये नगर प्रमुख की मूर्ति हुआ करती थी उस समय, नगर प्रमुख की जो चित्र है उसको बताया गया इस मूर्ति के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले परिचय हड़प्पा सभ्यता के बारे में, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, कौन कौन से चरणों में रही सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय योजना और विन्यास, मतलब जो उनका जो प्लान था, जो नगर बनाने का जो प्लान था, किस प्रकार से नगर बसा हुआ था उनका, और किस प्रकार से उनका नगर फैला हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। कृषि के ऊपर चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कृषि का क्या योगदान था, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूँ आपको, कॉटन या जो कपास होता है आपका,
तो अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो सबसे पहले कपास अगर किसी ने उगाया है या कपास की खेती करी है तो वो कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये ऐसे फैक्ट आपको यहाँ से पता चलेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, कैसी अर्थव्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की। शिल्पकला के बारे में बात करेंगे, कैसी शिल्पकला थी उनकी। धर्म, कौन सा धर्म को मानते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। ये सारे टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आज ही आज में हम खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी एक मेरी और समस्या है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, आप सब लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो, एमपीएसआई की तैयारी चल रही है। अब अगर मैं आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दूँ, लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके सिलेबस में 100 है तो हम केवल 120 130 तक जाए, हम 200 एक्स्ट्रा ना पढ़े। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेने से आपके पास में वैसे भी और भी सब्जेक्ट है, ठीक। तो मैं वैसे तो एमबीपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, और एसआई के लिए भी क्लासेस लेता हूँ मैं। तो अब कहीं ना कहीं जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसमें मैं आपको जो टास्क दूंगा आपको बस कंप्लीट करते जाना है आपका। आप यकीन रखो 45 डे के अंदर आपका जीएस एसआई के लिए तो कंप्लीट हो जाएगा। बस करना क्या है, फुल एफर्ट लगाने की ज़रूरत है आपको। आपके एंड से जो जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो कंप्लीट करते जाना है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, देखते हैं क्या होता है खास इसके अंदर। देखिए परिचय, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको, परिचय। एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज। सबसे पहले है परिचय। भारत का इतिहास क्या है, परिचय में देखो, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। क्योंकि देखिए भारत के इतिहास की प्रॉब्लम क्या है कि इसके पहले के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिल पाते हैं। तो साक्ष्य नहीं मिल पाते इसके लिए भारत के इतिहास को कहाँ से शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका इतिहास शुरू होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखो बेटा, पहले जब खुदाई शुरू हुई थी, अब ये सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ सर? सबसे पहले एक बेसिक चीज़ देखो, यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ मैं भारत का। देखो यहाँ पे ये आपका, ये भारत का जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, जम्मू कश्मीर के बाद वाला, और यहाँ का आपका पाकिस्तान है, ठीक। तो ये भारत और पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या है, एक नदी बहती है, यहाँ पर एक नदी बहती है, एक सेकेंड, और उस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। ये इस प्रकार से देखो, ये मैंने मैप पे बना दिया, ये नदी का नाम है सिंधु नदी। अब इस नदी के आसपास जितनी भी सभ्यता बसी, जितने भी लोग रहे, उन्हें क्या कहा गया, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन जब पहले पता नहीं था कि सभ्यता इतनी बड़ी है, इतनी भरी पूरी है, तो मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि हिसार जो हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है, वहाँ के लोगों को क्या होता था कि उन लोगों को जमीन के नीचे ईंटें मिलती थी। तो उन लोगों को क्या लगा कि शायद जमीन के नीचे ईंटें ऐसे ही पड़ी हुई है, वो खोद खोद के ईंटों से घर बनाते थे, ईंटों को बेचते थे। अब क्या हुआ कि लोग उस समय के लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि ईंटों का मेन रीजन क्या है, ईंटें यहाँ पे आई कैसे। जब बाद में ऑथेंटिक तरीके से खुदाई करवाई गई तब पता चला कि यहाँ पे तो एक बड़ी सभ्यता है। तो शुरू में इस सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा, जो बाद में क्या बन गई, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु के आसपास ज्यादा था ये। चलिए ये भी ध्यान रखना, तो इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अब देखो यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व, ये भी ध्यान रखना, इसका टाइमलाइन जो बनेगा 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के, मतलब एशिया के दक्षिणी भाग में आता है भारत का हिस्सा, तो दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के स्थान जगह पर है। देखो वर्तमान में पाकिस्तान मतलब ये पूरा सिंधु के आसपास पाकिस्तान, और भारत के पश्चिमी भाग, ये पूरा भाग में फैली हुई थी सभ्यता, इसी के नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो चौथी लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान से देखो, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मिस्र की सभ्यता, मेसापोटामिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता जो भारत है, और चीन, ये चार बड़ी सभ्यता। इसमें सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी, सबसे उन्नत और सबसे ज्यादा उन्नत या सबसे ज्यादा क्या डेवलप कौन सी थी, भारत वाली, और नाम क्या उसका, सिंधु घाटी सभ्यता, ये याद रखना। तो चार सभ्यताएं बताइए मैंने, मिस्र की सभ्यता एक बताइए, मेसापोटामिया दो, और एक बताइए मैंने चीन। आपके लिए टास्क के, देखिए जब भी कोई सभ्यता बसी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के किनारे पर बसी है, ये ध्यान रखना। जब भी कोई सभ्यता बसी है किसी ना किसी नदी के किनारे बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता या भारत की जो सभ्यता है वो तो सिंधु नदी के किनारे बसी है। आपका टास्क है
मिस्र की सभ्यता, मेसापोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों कहां पर बसी है, किन नदियों के किनारे पर बसी है, ये आपको कमेंट करके जाना है, ठीक। तो ऐसे में आपसे पूरे आज के सेगमेंट में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछूंगा, कितने 5 क्वेश्चन पूछूंगा आज आज में, और कल जब मैं आऊंगा तो कल इन 5 क्वेश्चन के क्या दूंगा, आंसर दूंगा, और नए 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना भी है, थोड़ा एफर्ट भी लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट लगाना, देखूंगा कितने लोग आंसर देंगे। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता किस नदी पर थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कहाँ पे कैसे शुरू हुआ ये उत्खनन, तो देखो 1920 में, 1920 के पहले इसके बारे में जानकारी कम ही थी, 1920 के पहले जानकारी बहुत ही कम थी। देखो तो 1920 के पहले जानकारी कम थी, बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग, जो जियोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया है, ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसके द्वारा किए गए सिंधु घाटी के क्षेत्र में उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई, तो उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जो जो भी चीजें प्राप्त हुई उससे हमें पता चला कि यहाँ पे दो बड़े नगर थे। दो बड़े नगरों के नाम क्या थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये दो बड़े नगर थे, और इन्हीं दो नगरों के नाम पे इसको क्या रखा गया बाद में आगे जाकर, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे, जॉन मार्शल। ये बहुत बार बोला जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष या डायरेक्टर कौन थे, जॉन मार्शल थे। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के जनक किसे कहते हैं, किसने उसे निकाला है, तो जॉन मार्शल का नाम हमेशा आता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सन 1924 में उन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी, उन्होंने बता दिया लोगों को कि अभी तक आप जिसको हड़प्पा, अभी तक आप जिसको मोहनजोदड़ो इनके नाम से पुकार रहे हो, ये एक अलग अलग नहीं होकर ये सब एक ही है। और इन्होंने 1924 में घोषणा करी कि जिस प्रकार से मेसापोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता है, उसी प्रकार से एक सभ्यता और है, नाम क्या उसका, सिंधु घाटी सभ्यता। 1924 में घोषणा करी, और कितने साल पुरानी थी, तो 2500 ईसा पूर्व, ये इतने साल पुरानी थी, ये भी याद रखना। चल बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, अब बेटा मैं एक एक करके आगे बढ़ते जाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना, यहां से बढ़ रही कहानी, एक एक करके बढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहले हमने परिचय था, परिचय देख लिया सिंपल, अब सिंधु घाटी के चरण देखेंगे हम, एक एक करके सारी चीजें कंप्लीट करना है हमको। अब सिंधु घाटी के चरण देखना है हमको, देखो क्या है सिंधु घाटी के चरण। देखो सिंधु घाटी को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। देखो जब भी आप किताबों में, कहीं भी किताबों में या नोट्स में देखोगे, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन पार्ट है वो मिलेगा ये वाला। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप इमेजिन करिए कि आपको लगता है क्या ऐसा कि एक ही दिन में आकर सब लोग एक जगह बस गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक साथ आए होंगे, एक ही जगह बस गए होंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अपोजिट ऐसा हुआ होगा कि पहले शुरू में लोग आकर बसे होंगे थोड़े थोड़े, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला होगा कि यार एक साथ रहना तो बहुत फायदेमंद है, फिर धीरे धीरे वहां पे नगरी व्यवस्था ही होगी इसी प्रकार से। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सब लोग ध्यान दो, देखो टाइमलाइन के हिसाब से पहले आई सिंधु घाटी सभ्यता, टाइमलाइन के हिसाब से, और बाद में आई आपकी वैदिक सभ्यता, टाइमलाइन के हिसाब से। पर देखो सोचने वाली बात क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी नगरीय व्यवस्था है, नगरीय प्रणाली है, और वैदिक सभ्यता कैसी है, ग्रामीण, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखिए कि पहले हम डेवलप ज्यादा थे, पर जब वैदिक सभ्यता आई तो फिर से हम ग्रामीण हो गए, ग्रामीण होकर अब फिर से हम किधर जा रहे हैं, नगरी की तरफ, ठीक है। और अब फिर से हमें नगरीय से वापस से ग्रामीण होने की इच्छा होती है, अलग रहने की इच्छा होती है, देसी तरीके से पेड़ पौधे प्रकृति के बीच जाने की इच्छा होती है। तो कुल मिला के ये शायद चक्र है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में डिवाइड थी, पहला था प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो 3300 ईसा पूर्व से लेकर
2600 ईसा पूर्व तक है, मतलब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था, जब शुरुआती हुई है। अभी हम देखेंगे कैसे क्या क्या चीजें इसके अंदर हुई होगी। सेकंड नंबर पर है परिपक्व, मतलब जब वो क्या हो गई, अच्छी खासी भरी पूरी है, डेवलप्ड हो गई है, युवा अवस्था में बोल सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता को, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जब वो डेवलप हो चुकी। तो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये फैली हुई थी, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। तीसरा है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। तो देखो उत्तर हड़प्पाई मतलब जो आपकी डेवलप हो गई है उसके बाद में, ठीक है, लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा के आखिरी आखिरी का ये उसके बाद का समय। तो उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। अब देखो ये 1300 लिखा हुआ है यहाँ पर, आप यकीन मानिए बहुत कम जगह मिलेगा आपको कि सिंधु सभ्यता 1700 के बाद भी फैली हुई थी। रीजन क्या है, क्योंकि इसके साक्ष्य क्या है, बहुत कम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण क्या है, देखो इसके अंदर खास प्रारंभिक हड़प्पाई चरण में हकारा चरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हकारा चरण। देखो आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो बेटा सब लोग, और एमपीएसआई के अंदर सीधे सीधे प्रश्न वन लाइनर फैक्ट में आना आते हैं, वहाँ पे आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इस कारण से मैंने यहाँ पर जो पॉइंट रखे हैं उनको एज अ वन लाइनर ज़्यादा पुट किए हैं। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि हकारा चरण किसे कहते हैं, प्रारंभिक को, बाद वाले को, या बीच वाले को, तो किसको बोलते हैं हकारा चरण, प्रारंभिक। देखिए तो क्या है प्रारंभिक हड़प्पाई चरण, देखिए प्रारंभिक हड़प्पाई चरण का मतलब ये है यहाँ पर, जिसे हकारा चरण भी कहते हैं। तो एक नदी है घग्गर और हकारा, सबसे पहले लोगों ने यहाँ पे आके बसना शुरू हुआ। तो जो घग्गर और हकारा के आसपास के क्षेत्र से जो प्रूफ निकाले गए खुदाई में, वो सबसे पुराने, इससे पता चला है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था है वो इन नदियों के किनारे पर क्या है, डेवलप हुई। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, घग्गर और हकारा चरण। देखो हड़प्पाई लिपि, अब हड़प्पाई लिपि, अब देखो सबसे पहले हड़प्पाई लिपि के बारे में बता दूं मैं आपको, कि जो हड़प्पाई लिपि है वो अभी पढ़ना पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, केवल ठीक है अंदाजा लगाया जाता है उसके ऊपर। तो ये भी ध्यान रखना, आपके माइंड में ये मत रखना कि हड़प्पा की लिपि को पढ़ लिया गया है, बस ये है कि ये बहुत पुरानी लिपि है और अभी इसको पढ़ना मुश्किल है, अभी पढ़ नहीं पाए, याद रखना। अब ये जो लिपि के उदाहरण है, मतलब लिखे हुए जो प्रमाण है, वो कहाँ से मिले हमको, 3000 साल पुराने। तो मतलब ध्यान से, इसका मतलब ये है कि अभी चल रहा है 2020, ठीक है, और ये 3000 साल पुराने प्रमाण, तो कितने हो गए, 5000 साल। अब आपको समझ में आया होगा, बार बार आप बोलते हैं ना 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारी, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास में प्रूफ है बेटा, 5000 साल पुराने होने के प्रूफ है हमारे पास में। लेकिन जैसे अगर आप सही सन से जाओ जो बुक में लिखे हुए, तो 2400, हड़प्पा का सन 2400 दे रखा है और अभी चल रहा है 2020, तो जब आप जोड़ेंगे तो आई थिंक ये 4500 रहेगा, 4500। तो हम तो 5000 साल पुरानी सभ्यता बोलते हैं, ये तो 4500 है, क्योंकि मैंने बताया आपको उसके पहले 500 साल क्या है, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण। ठीक, अब थोड़ा वो समझ में आया होगा। आगे देखो इस चरण की विशेषता क्या है, केंद्रीय इकाई का होना, मतलब कुल मिलाकर क्या है इस चरण का, जो हकारा चरण है इसकी विशेषता क्या है, कि जब शुरू में लोग रहना शुरू हुए तो दूर दूर अपने अपने हिसाब से रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब नगरी प्रशासन की तरफ आई या फिर एक ही जगह पे इकट्ठा होना शुरू हुए, इसको हमने क्या कहा, नगरी प्रशासन कहा, नगरीय गुण कहा इसको, एक ही जगह पे इकट्ठे हुए और साथ ही केंद्रीय इकाई के रूप में रहने लग गए। केंद्रीय इकाई के रूप में रहने का मतलब क्या है यहाँ पर, केंद्रीय इकाई के रूप में रहने का मतलब ये है कि जब साथ में रहे तो उन्होंने अपने आप अपने में इस बीच में से एक प्रमुख को चुना, क्या आप पूरे एरिया को संभालो, आप पूरे एरिया को डेवलप करो, हम आपको जो भी टैक्स रहेगा वो भी देंगे और साथ में मिलकर हम इस पूरे एरिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ये इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया गया विशेष। एक पॉइंट क्या है ये भी देखो, व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, खेती के साक्ष्य भी मिले, मतलब व्यापार होने लग गया था। जो हकारा चरण है पहला चरण जो है प्रारंभिक चरण, उसमें खेती भी होने लग गई थी, इसके साक्ष्य भी मिले। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होने लगी थी। रुई मतलब ये कपास है बेटा, और मैंने क्या बताया पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर आता है एग्जाम में। इसके बाद में कोटिजी जो जगह है, कोटदीजी,
नामक जो स्थान है वो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का प्रदर्शित करता है। मतलब ये क्या है, कोटजी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ पता चलती है कि बहुत पुराना है और ये प्रारंभिक अवस्था में बनाया गया क्षेत्र था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है खास। अब आगे क्या है, तो 2600 ईसा पूर्व के बारे में देखते हैं क्या है। देखो 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्र में परिवर्तित हो चुकी थी। मतलब अब क्या है, जो शुरुआत में हकारा प्रणाली हमने देखा ना, हकारा क्षेत्र, तो वो आपका प्रारंभिक क्षेत्र है, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्षेत्र है वो परिपक्व हो गए, युवा हो गए, वो प्रौढ़ हो गए, वो उनको समझ में आ गया कि हमको साथ में रहना है और साथ में ही क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसी के कारण क्या है, देखो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने के कारण प्रारंभिक हड़प्पाई क्षेत्र बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो गए। मतलब अब आपको बड़े बड़े नगरों के नाम सुनाई दिए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अब इन नगरों के नाम आने लग गए। पाकिस्तान में स्थित है लोथल, जो कहाँ पर है, भारत में स्थित है, जो गुजरात का क्षेत्र है लोथल। कुल मिला के ऐसे क्षेत्रों में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इनके नाम क्या है सामने आना शुरू हुए। कब, जब आपकी प्रौढ़ अवस्था ही, या फिर बोल सकते हो आप युवा अवस्था, युवा अवस्था। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब देखो क्या है कि इधर एक ध्यान दो, इधर इधर में एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। देखो 3000 से 2600 या 2500 मान लो, ठीक है 2500 मान लो, यहाँ तक का जो काल है ये तो आपका क्या है, आपका परिपक्वता वाला, मतलब शुरू हो रहे हो, बनना शुरू करें। 2500 से लेकर 1800 तक का जो काल है उसको बोलते हैं कि यहाँ तक क्या करा इन्होंने, डेवलप करा और खूब फली फूली, ये 700 साल इन्होंने खूब जो बोलते हैं ना कि डेवलप किया अपने आप को, ठीक है, बहुत व्यापार किया। पर 1800 के बाद में इसके पतन होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे क्या हो गई, ये सभ्यता समाप्त हो गई 1800 के बाद, तो 1000 तक पूरी टोटल समाप्त हो गई। अब ये जो पतन वाला रीजन है ये हम बाद में जरूर देखेंगे, लेकिन ये पतन के कैसे साक्ष्य मिलते हैं तो वो भी देखो। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 तक आते आते सभ्यता के बड़े शहर तो समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी संस्कृतियां के तत्व देखे गए, मतलब थोड़े बहुत छोटे छोटे क्षेत्र बच गए थे। कुछ पुरातात्विक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार क्या है, उत्तर हड़प्पा काल, जो तीसरा काल है उसको क्या बोला है, उत्तर हड़प्पा काल। तो उनके हिसाब से उत्तर हड़प्पा काल 1000 ईस्वी से 900 ईसा पूर्व तक, यहाँ तक बस आप बच गया था, मतलब आगे तक गया ही, खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है, धीरे धीरे खत्म हुआ है ये आगे वाला हिस्सा, ये कुछ लोगों का ये भी मानना है। चलिए अब एक बार ये मैप पे देखिए बेटा, ये आपका, देखो ये आपका, ये पाकिस्तान है, ये पाक है, और ये आपका क्या है, भारत, और ये आपकी सीमा दिख रहा होगा आपको, ये सीमा है, ये वाली पूरी सीमा है, ठीक है। अब देखो ये कुछ क्षेत्र है जैसे राखी गढ़ी, मिताथली, बनावली, कालीबंगन, ठीक है, हड़प्पा, रावी नदी के किनारे पर था ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर, देखो कोटदीजी, आमरी वाला कोट, चुंदोड़ो, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, देखो ठीक है। इसके अलावा सुतका गोडर, ये भी बहुत फेमस है, सुतका गोदड़ जो है बहुत फेमस है, देखो ये रहा कांगेडोर जो है बहुत फेमस है, सबसे वेस्टर्न जो पार्ट था सिंधु का वो था सुतका गोदड़, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो ये सारा एक मैप पे बना हुआ है, इसको देख के काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आपको ये भी पता चला होगा कि अधिकतर हिस्से जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि पहले ये पूरा एरिया एक ही था और सिंधु नदी का क्षेत्र है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नगरीय योजना और विन्यास। अब नगरीय योजना और विन्यास क्या है, देखो हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात का यकीन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
हड़प्पा सभ्यता किस प्रणाली के लिए जानी जाती है? नगरीय प्रणाली के लिए, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण प्रणाली के लिए। देखो जो तुक्के मारने वाले बच्चे होते हैं ना वो यहाँ पकड़ा जाते हैं, क्यों? उनको लगता है पहले ग्रामीण रहे होंगे बाद में नगरी आई। पहले सिंधु के टाइम पे हम नगरीय थे, बाद में फिर हमारा क्या हुआ, ग्रामीण हुए, याद रखना। अगला पॉइंट क्या है वो भी देखो खास। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे और नगरों से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग रहते थे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दो चीजें सामने आई। देखो ये ध्यान से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में नगरों के अपने अपने दुर्ग थे और दो पार्ट में डिवाइड थे। दो पार्ट में कैसे डिवाइड थे, जो टीले बोलते हैं या फिर जो होते हैं ऊंचे क्षेत्र, टीले या ऊंचे क्षेत्र पे, तो वहां पे कौन रहते थे, उच्च वर्ग के लोग। मतलब वहां पे भी क्या थे, अमीर और गरीब दो भागों में डिवाइड था पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र। तो जो अमीर हुआ करते थे, जो सक्षम हुआ करते थे, उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो आपके टीले पर या फिर ऊंचाई पे रहते थे। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो निम्न कार्य करते थे हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में, वो रहते थे टीले के नीचे। ठीक, याद रखना। देखो दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित मकान होते थे जिसमें सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे। देखो समझ में आया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो दुर्ग थे अपने ऊंचाई पर रहते थे, नगर के ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पर टीलों पे, और इसको क्या बोलते थे, उच्च वर्ग के लोग। लेकिन जब दुर्ग के नीचे की बात करेंगे, सामान्य ईंटों से बने हुए क्षेत्र थे और सामान्य लोग रहते थे। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा की विशेषता है, तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अन्न भंडारण का निर्माण किस सभ्यता में, किस क्षेत्र की विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता है कि अन्न भंडार, मतलब वो क्या करते थे, सेविंग करते थे फूड का। ये सबसे खास विशेषताओं में से एक है, ये भी याद रखना। अब किस हद तक वो डेवलप थे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र के जो लोग हैं वो शुष्क ईंटों का निर्माण करते थे। मतलब देखो ईंटों का लॉजिक क्या है, जिसको नहीं पता ध्यान से देखो। ईंटों का लॉजिक ये है बेटा कि जो ईट है वो कैसे बनती है, किसी को नहीं पता, तो जब मिट्टी का ब्लॉक रहता है, मिट्टी जो रहती है आपकी, उसको एक इसे एक ढांचे के अंदर स्क्वायर में इकट्ठा कर लेते हैं। अब बन गई ईट नहीं, अब वो क्या है, अभी भी कैसी है, कमजोर है, उसको पकाना पड़ता है। पकाने का मतलब क्या है, उसको गर्म करना पड़ता है। तो देखो एक बात लॉजिक सुनो, जैसे मटकी रहती है आपकी जिसमें आप पानी पीते हैं घर में, मटकी वो भी कैसी रहती है, पकी हुई मटकी रहती है। ऐसे आप जब कुम्हार जो रहता है, जब मटकी बना लेता है अपने ढांचे में, तो एकदम सूखा के आपको नहीं दे देता है, उसको सुखाने के बाद में सेकता है, गर्म करता है, उसको हीट करता है, तो उससे वो क्या होती है, और ज्यादा मजबूत होती है। तो ये जो प्रणाली थी, कौन सी, जली हुई ईंटों वाली, ये हमारी सिंधु सभ्यता की क्या है, मुख्य विशेषता है। क्योंकि अगर आप मिस्र की सभ्यता की ईंटों को देखोगे तो वो कैसी है, शुष्क ईंट, मतलब केवल जमा के यूज कर ली उन्होंने, सेकना नहीं आता था उनको। ठीक, मतलब उनको सेकने के बारे में जानकारी नहीं थी, डेवलप नहीं थे इतने। सबसे खास विशेषताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी तारीफ आज भी की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ आज भी की जाती है, इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा सभ्यता का, तो ये भी ध्यान रखना। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का क्या होता था, स्नानघर और आंगन होता था। मतलब क्या है, जितने भी घर है सबके पर्सनल क्या होते थे, स्नानघर मतलब नहाने की जगह, और आंगन मतलब एक घर के अंदर प्रॉपर एक आंगन होता था जिसके अंदर सब लोग क्या है, बीच में, घर के बीच में एक क्षेत्र होता था जहाँ पर बैठने बैठने की व्यवस्था होती थी। और ये है हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषताओं में से एक कि वहाँ पे स्नानागार और आंगन होते थे। कालीबंगा की बात करें अगर आप, तो देखो ये जो एक एक पॉइंट आएंगे ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं है। अब ये सीधे सीधे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि काली निम्न में से किन क्षेत्रों में कुएं नहीं है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा में कुएं नहीं है, या फिर किस क्षेत्र में, कालीबंगा में किस क्षेत्र की किस चीज़ की कमी रहती थी, अन्न भंडार की, कुएं की, स्नानागार की, ऐसा करके आ जाएगा एग्जाम में। तो आपको याद होना चाहिए कि कालीबंगा में कुएं नहीं थे, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ये है एक स्नानागार का एग्जाम्पल। देखो ये हमें प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से। देखो इसको देख के क्या लग रहा है आपको कि क्या है ये आकृति क्या है, ये एक स्नानागार है, स्विमिंग पूल टाइप है, आप देख सकते हो यहाँ से उतरेंगे और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। ये स्विमिंग पूल टाइप जो व्यवस्था है ये आपको मिली है मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में। दूसरा ये हड़प्पा कालीन जो चिन्ह है, प्रमुख मोहर टाइप चिन्ह है, तो इनको देख सकते हो। ये जैसे पहला वाला जो चिन्ह है ये है, आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो का, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये हड़प्पा का। आपसे कभी भी कोई भी पूछे
एक श्रृंगी, ये सबसे कंफ्यूजिंग है, एक श्रृंगी पशु कहाँ का चिन्ह है? तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एक श्रृंगी का एक सिंह वाला, ये रहा मोहनजोदड़ो, गलत है। एक श्रृंगी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, देखो आपने कभी साइंस पढ़ा हो तो आपको याद होगा, एक साइंस के अंदर एक वेव होती है, साइन वेव, इस प्रकार से चलती है, देखो ठीक है। अभी साइन वेव के अंदर अगर आप एक ऊपर का जो आलम है या ऊपर का क्षेत्र है उसको निकाल लोगे, केवल ऊपर ऊपर का, तो इसको बोलते श्रंग, क्या बोलते हैं इसको, श्रंग। तो ऐसा ही एक श्रंग मतलब एक श्रंग, देखो ध्यान से, ये रहा श्रंग। तो अगर कोई भी पूछे कि एक श्रृंगी पशु कहाँ की विशेषता है, तो एक श्रृंगी पशु कहाँ की है, हड़प्पा की विशेषता है, बेल को कहा गया है, तो बेल का जो कुबड़ है उसको बोला है एक श्रृंग, याद रखना आगे से कभी भी गलत नहीं करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे ये यूनिकॉर्न मिलता है हमको, ठीक है, आपको एक श्रृंगी बेल मिलता है, ठीक, हाथी, गेंडा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। देखो कुछ स्थानों पर जैसे लोथल, धोलावीरा, संपूर्ण क्षेत्र मजबूत और नगर दीवारों का भाग से विभाजित है, मतलब पूरा क्षेत्र क्या, किला बंद है पूरा एरिया कुछ क्षेत्रों में, जैसे लोथल और धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली योग्य बात यह भी है कि सभ्यता में ग्रिड प्रणाली है जिससे अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण काटती है। ग्रिड प्रणाली मतलब, ग्रिड का मतलब है यहाँ पर जालीदार, तो मतलब ऐसे बनी हुई, देखो कॉलोनी, ध्यान से देखो, ये रोड हो गई मेन रोड टाइप और फिर ये रोड हो गई, ऐसे बसी हुई है पूरी कॉलोनी, मतलब पूरी व्यवस्थित तरीके से एक जालीदार प्रणाली के अंदर, ग्रिड मतलब जालीदार प्रणाली के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें यहाँ पर मौजूद है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है ये। आगे बढ़ते कृषि, हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों पर स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। प्लावन मैदान का अर्थ यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनो, प्लावन मैदान का अर्थ यहाँ पर यही कि नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी, बढ़िया प्रॉपर और उपजाऊ मिट्टी की बात की जा रही है, तो उपजाऊ मिट्टी की बात की जा रही है, तो उपजाऊ मिट्टी के ऊपर बसे हुए क्षेत्र थे हड़प्पाई मैदान, अनाज को उत्पादन करते थे पर्याप्त मात्रा में। देखो गेहूं, जो, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था ज्यादा। गुजरात के कुछ स्थानों पर बाजरा का उत्पादन भी मिलता था उस समय भी, जबकि चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से दुर्लभ है, मतलब दुर्लभ मतलब बहुत रेयर है। तो कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या थी, तो वो थी गेहूं, सरसों, तिल, मसूर, जो, और बाजरा, चावल नहीं थे, याद रखना। ये एक बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की चावल विशेषता थी, मतलब ये सही गलत में आया था, और नहीं है, चावल विशेषता नहीं है, याद रखना। अब सिंधु घाटी सभ्यता मनुष्यों में अगर आप देखोगे सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो वास्तविक कृषि परंपराओं का पुनर्निर्माण करना कठिन होता है क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है, मतलब कुल मिलाकर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कृषि के साक्ष्य वो इतने ज्यादा प्रॉपर भी नहीं है, उनका मेन मोटो तो यही दिखता है कि व्यापारी लोग थे वो, मतलब कुल मिला के अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करें तो कुल मिला के वो लोग सारे व्यापारी थे, याद रखना, तभी तो बाद में सर्वाइव नहीं कर पाए वो लोग, ठीक है। तो देखो वास्तविक कृषि परंपराओं को अगर फिर से पूरा डेवलप करें सही तरीके से, तो कृषि की प्रधानता का मापन अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर नहीं किया जा सकता, मतलब हम नहीं बता सकते ना उन्होंने कितना डेवलप किया था, क्योंकि हमको तो केवल साक्ष्य मिल रहे हैं, हमें ये नहीं मिल पा रहा कि कितने किस बड़े लेवल पे वो करते थे या नहीं करते थे, ठीक, इसलिए ये लाइन यहाँ पर कही गई है। अगला क्या है, मोहरों पे, मोहरे बोले तो जो आपका जो सील रहती है, तो मोहरे, टेरिकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, तो टेरिकोटा, देखो मोहरे, टेरिकोटा, इन सब के क्या मिलता है, सांड के चित्र, एक श्रृंगी पशु जो कहा है मैंने वो होता था पुरातात्विक खुदाई में, जुते हुए बेलों से खेत भी मिले, मतलब कुछ खेतों के ऐसे हिस्से मिले जिनको जोता गया था खेतों बेलों से, ये भी ध्यान रखना। अब हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले जहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब अब देखो ये सोचने वाली बात है कि ये जो हड़प्पा के क्षेत्र है ये आपको मिले हैं, देखो अभी ये सारे क्षेत्र नदियों से भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जैसे गौरी गाला, ठीक है, इसके अंदर चुंदड़ो,
ठीक है, धोलावीरा, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे नदियों का इतना प्रभाव नहीं है, तो पता चलता है कि यहाँ पे नहरों के द्वारा पानी भेजा जाता था, नहरों के द्वारा यहाँ होती थी पानी की व्यवस्था, ये यहाँ की विशेषता है। ठीक है, ये भी याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ क्षेत्र शुष्क है, सूखे हैं, और वहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। आगे बढ़ते, देखो नहरों के अवशेष कहाँ पर मिलते, देखो नहरों के अवशेष हड़प्पा स्थान, शोरतगुई, क्या बोलते हैं इसको, शोरतगुई, और कहाँ पर, अफगानिस्तान में। तो शोरतगुई अफगानिस्तान में पाया जाता है, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं, मतलब पंजाब और सिंध वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे नहरों का उपयोग या नहरों का प्रयोग मिनिमम है, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन हाँ अफगानिस्तान वाले पार्ट के अंदर बिल्कुल नहरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया। हड़प्पा लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, तो ये एक नई विशेषता हमको पता चली। अब देखो एक नई विशेषता क्या पता चली, कि हड़प्पा के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। तो एक व्यापार के, देखो मैंने क्या बताया, वो व्यापारी थे, ये भूलना नहीं आपको, क्या थे वो, व्यापारी थे। तो पहला पार्ट तो मैंने बता दिया आपको, पहला पार्ट क्या खास था कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या करते, व्यापारी थे, और दूसरा बता दिया पशुपालन भी करते थे। तो कुल मिलाकर उनके पास में दो चीजें हैं, तो वो कृषि कर रहे हैं, तो कृषि, और दूसरा क्या है, वो पशुपालन भी कर रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, घोड़े के साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल में बहुत ही संशय, मतलब क्या, डाउटफुल कंडीशन में मिले हैं। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित थे, किस चीज से परिचित नहीं थे, और आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। घोड़े से परिचित नहीं थे, याद रखना, वहां पे देंगे आपको वो कपास की खेती से परिचित थे। मैंने बोल दिया कि गलत को चुनी है, ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, वो घोड़े से परिचित थे, वो कपास से परिचित थे, वो बाजरा से परिचित थे, और वो गेहूं की खेती से परिचित थे। तो इन सब में तीन चीजें करते थे, वो केवल घोड़ों से परिचित नहीं थे, यार बहुत ही संचय डाउटफुल कंडीशन में मिला है। इसलिए बोलते हैं कि घोड़ों जो आर्य आए थे बाद में, उनके विजय के मेन रीजन क्या था, घोड़ा, उनके पास में क्या थे, घोड़े थे, रथ थे, आर्यों के पास क्या थे, रथ थे, याद रखना। ठीक है, अब देखो हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी, मतलब घोड़ों के ऊपर केंद्रित नहीं थी, हॉर्स के ऊपर फोकस नहीं थी, याद रखना। अब आगे बढ़ते अर्थव्यवस्था, हम लाइन से एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं बेटा, ठीक है, लिंक नहीं छोड़ना है, ध्यान से ही करना है, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल के हिसाब से बनाया हूँ। तो देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे परिचय पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण देखे, नगरी योजना देखी, कृषि देखी, अब हम पहुंच गए अर्थव्यवस्था पे, केवल चार टॉपिक और बचे, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से आपके हाथ में होगी इसके बाद। अब आ गए हम अर्थव्यवस्था पे, ध्यान से देखो, अनगिनत संख्या में मिली मोहरे, एक समान लिपि, वजन मापन की विधियां, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताती है कि वो लोग क्या थे, व्यापारी थे। मैंने आपको तीन चार बार पहले भी बोल दिया है कि उनका मेन मोटो वो व्यापारी ही थे, क्योंकि जिस प्रकार से सिंधु सभ्यता के अंदर आपको बंदरगाह मिलते हैं, ठीक है, अगर आपने मोहनजोदड़ो देखी हो तो उसके अंदर भी देखा होगा आपने, व्यापार करने के लिए ऋतिक जाता है उसमें, कुल मिला के व्यापारी थे, मेन मोटो उनका व्यापार करना ही था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, अनगिनत मिली मोहरे, मतलब वहां से क्या मिली है, मोहरे मिली बहुत सारी, एक जैसी लिपि मिली, मतलब इतना ज्ञान था उनको कि एक जैसी भाषा में लिखा, वजन मिला, मतलब वजन और मापन की विधियां, मतलब कुल मिला के बाट और जो तराजू टाइप जो चीजें मिलती है वो मिली है, कि मापन के लिए स्केल जिसे कहा जा सकता है, स्केल वगैरह मिले हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। तो वो आपको बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, व्यापारी थे, जीवन में व्यापार का महत्व ज्यादा था उनके, ठीक है। अब हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुएं, सीप, शंख आदि का व्यापार करते थे, ये भी ध्यान रखना, मतलब पत्थर, मतलब बेशकीमती पत्थरों की बात की जाए तो पन्ना, हीरा, जो मोती, ये जो पत्थर इनके, धातुओं की बात करें तो धातुओं का व्यापार भी करते थे वो, तांबा वगैरह का, सीप आपने देखा होगा जो मोती निकलता है, वो सीप को भी बेचते थे, शंख को भी बेचते थे, इसको भी बेचने का व्यापार करते थे हड़प्पाई लोग। ये भी एक विशेषता हमको देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, ये एक बहुत ही विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का, एक ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन आ चुका है कि
सिंधु घाटी सभ्यता में धातु से व्यापार होता था या नहीं होता था? नहीं होता था, वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ ठीक है, आपसे एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु आपको दे देना, ये प्रणाली आपकी वहां पे उस समय चलाई जाती थी, याद रखना। अब देखो उनके और क्या प्रूफ मिले उनकी अर्थव्यवस्था के, अरब सागर का जो क्षेत्र है, अरब सागर का जो तट है, उसके पास कुशल नौवहन प्रणाली, मतलब नौवहन प्रणाली मतलब उनके पास में नाव की व्यवस्था देखी गई है। जैसे बंदरगाह, मैंने आपको बताया था कुछ बंदरगाह जो फेमस बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता के, कुछ फेमस बंदरगाह अगर आपसे पूछे तो एक बार मैप पे देखिए कौन कौन से। देखो एक तो लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, धोलावीरा, ये फेमस फेमस, बालाकोट, सुतकांगडोर, ये बहुत फेमस बंदरगाह हैं जो आपके सिंधु सभ्यता के क्या है, बंदरगाहों में से फेमस बंदरगाहों में से एक है। ठीक, याद रखना। ठीक, अब उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रमाणिक रूप से मध्य एशिया सुगम व्यापार होता है। मतलब अब आपने एक बात नोटिस करी कि यार इन्होंने क्या किया, जब इतनी अच्छा इनके पास पानी की व्यवस्था थी, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी अफगानिस्तान वाले रीजन में क्यों बस्तियां बसाई, वहां पर नहरें क्यों भेजना पड़ी? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक रास्ता बनाया वहां से भी, नीचे से समुद्री मार्ग से तो बनाया बनाया व्यापार करने के लिए, लेकिन इन्होंने ऊपर से भी एक व्यापार करने के लिए रास्ता बनाया, ताकि यूनानी क्षेत्र जो है आपका, जो जो आपका यूरोपीय क्षेत्र है, वहां से व्यापार किया जा सके, और ये जो व्यापार के लिए क्षेत्र है उसमें अफगानिस्तान क्या करेगा? मुख्य किरदार निभाएगा, ठीक है, मेन रोल निभाएगा, इसके लिए यहाँ पे भी बस्तियां स्थापित की गई। देखो ध्यान से, दजला और फरात नदियों की भूमि के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों ने वाणिज्यिक संबंध रखे, ये प्रूफ कई बार मिल चुका है। क्यों? क्योंकि दजला और फरात की जो नदियां हैं, दजला फरात मतलब ये आपकी इराक में बैठा, ठीक है, इराक वाला जो क्षेत्र है वहां पे, बगदाद इराक वाला जो क्षेत्र है वहां पे दजला फरात, और यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी है। कौन सी सभ्यता बसी थी यहाँ पे? मेसोपोटामिया वाला जो क्षेत्र है वो इस नदी के आसपास ही बसा था। तो कुल मिला के जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां से हमको बहुत सारा साक्ष्य मिलते हैं कि इनका व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध किससे था इनका? सिंधु सभ्यता के लोगों से, ये हमको पता चलता है। आगे, हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजालू मार्ग से व्यापार करते थे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभ्यता के लोग लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, संभवतः ये कौन थे? तो ये हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे जो लेपिस लापूजी मार्ग से क्या करते थे, व्यापार करते थे, ये जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शिल्पकला। अब शिल्पकला मतलब क्या बनाया उन्होंने, क्या क्या चीजें इन्होंने बनाई है? तो देखो सबसे पहले, अब इसके अंदर बहुत सारे क्या हमको प्रूफ मिलेंगे, रीजन क्या है प्रूफ मिलेंगे, मतलब यहाँ पे हमको मिट्टी की मूर्तियां, धातुओं की मूर्तियां, ठीक है, कुछ अवशेष इस प्रकार से मिलेंगे यहाँ पे, चित्र के द्वारा समझाऊंगा आपको ध्यान से। हड़प्पा कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि, उसके उपयोग से भलीभांति परिचित थे। ये आप यकीन नहीं मानेंगे कितना इंपॉर्टेंट है लाइन, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। हड़प्पा काल के लोग किस धातु से परिचित थे? कांस्य, सोना, चांदी, और एक कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में। वो सोना चांदी इनसे परिचित नहीं थे, वो कांस्य से परिचित थे बेटा, ठीक है, याद रखना। हड़प्पा काल के लोग कांस्य से परिचित थे, उनको धातुएं गलाना आती थी। धातुएं गलाना मतलब मिक्स करना, ठीक है, मिक्स मेटल बनाना आता था उनको। तो कांस्य की वस्तुएं यहाँ से मिलना प्रारंभ हो चुकी थी। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त होता था, ये ध्यान रखना। टीन अफगानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है। तो क्या क्या, कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे? तांबा, टीन और कांस्य, इन तीन धातुओं से परिचित थे, याद रखना। बुनाई, बुनाई बोले तो बुनाई मतलब आपके कपड़े को मिलाकर धागे से कपड़ा बनाना। तो देखो बुनाई उद्योग के प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत से वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता था, उसको रंगा जाता था ठप्पे से। बड़ी बड़ी, यहाँ पे देखो, बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री वर्ग का अस्तित्व पाया जाता है। मतलब अब क्या होता है, देखो एक होता है टेम्पररी घर बनना और एक होता है प्रॉपर घर बनना। देखो मैं बताता हूँ आपको दोनों में अंतर, आप लोग ध्यान से सुनो।
जब कोई एक प्रॉपर जो सिविल इंजीनियर है या फिर बोल सकते हो जो प्रॉपर एक ठेकेदार है या जो मिस्त्री या मजदूर है, जब वो मकान या घर बनाएगा तो वो प्रॉपर बनाएगा, सही से बनाएगा, बिल्कुल भी कमजोर नहीं बनाएगा, एकदम ऐसी व्यवस्था रखेगा कि सही तरीके से वो क्या बने, मकान बने। उसको जब 10 साल बाद भी आप देखोगे तो आप बोलोगे क्या मस्त आर्किटेक्चर है, जैसे ताजमहल। लेकिन कोई ऐसे ही उठा के कुछ भी बना देगा तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से नहीं बना है। तो हड़प्पा काल की कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो अभी भी वैसी की वैसी है, ऐसी किसी अवस्था में मिलने के बाद भी वहाँ पे जो जो चिन्ह छोड़े गए वो भी वैसे के वैसे ही है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर उस समय जो शिल्पकला था काफ़ी अच्छा था, तभी वहाँ के क्या थे राजमिस्त्री वर्ग या बोल सकते हैं ऐसे कुछ जो बनाने वाले वर्ग वहाँ पे मौजूद थे। आगे देखो, हड़प्पा ही नाव बनाने की विधि से परिचित थे, क्योंकि तभी तो हड़प्पा काल के अंदर लोथल, धोलावीरा, सुतकुमरा, मैंने बताया अभी आपको वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे बंदरगाह थे। तो नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि मैंने बताया, सील, ये सारी चीज़ों से परिचित थे। टेरिकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो इससे भी हड़प्पा वाले क्या थे, परिचित थे, मिट्टी की मूर्तियां भी बनाना इनको आती थी। जोहरी वर्ग, अब देखो ये मुद्दा जो आया है सोना चांदी वाला, ये कहाँ आया है, ये आया है बेटा आपका 1900 के बाद में, मतलब एंड एंड में उनको क्या है, सोना चांदी कीमती पत्थरों से क्या करने लग गए, निर्माण करने लग गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि कौन सी धातु से परिचित थे, तो एक ही धातु याद रखना, कौन सी, कांस्य, क्योंकि आपके व्यापम ने कांस्य को ही क्या बोला है, सर्वमान्य माना है कि एक धातु जिससे सबसे ज्यादा परिचित थे वो है कांस्य, ठीक है। तांबे के बाद सबसे ज्यादा किससे परिचित थे, कांस्य से, याद रखना, कांस्य का भरपूर उपयोग करा उन लोगों ने। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्राचीन प्रचलन में थी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधि थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तन, ठीक है, बनाते थे, मतलब वो रंग भी करते थे मिट्टी के बर्तन के ऊपर, चमकदार बर्तन बनाते थे, पॉलिश्ड वियर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये ऐसे बर्तनों का निर्माण हड़प्पा काल की मेन विशेषता है, एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान से इस वाले पार्ट को, ये इसको डायरेक्ट पढ़ लो। संस्थाएं भी है कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, कुछ संस्थाओं की अगर बात करें तो हमें ये देखना है, जैसे अगर आप देखेंगे आगे चलकर कि एक राजा होता था, एक प्रधान अध्यक्ष होता था, एक मंत्री होता था, एक पुरोहित होता था, तो क्या हड़प्पा काल के अंदर भी ऐसी कुछ संस्थाओं का निर्माण है? तो देखो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, जिन्हें अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बताया लोग पढ़ नहीं पाए, ट्राई कर रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हो। देखो एक परिणाम के अनुसार एक तरीके से एक लॉजिक लगाया है कि सिंधु सभ्यता के अंदर क्या था, राज्य संस्थाओं की प्रकृति समझना अभी कठिन है, इसी बात को ध्यान में रखते हो। देखो किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले वहां पे, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों का प्रभुत्व या विद्यमान को नकारा नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखो, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये चीज नहीं बोल सकते कि वहां पे पुजारी थे या नहीं थे, क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन हाँ, हड़प्पा सभ्यता के अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शामिल थी, मतलब मैंने पहले ही बताया पूरा फोकस किस पे था, व्यापारियों के ऊपर था। लेकिन जो सबसे पहली एक मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी, उस मूर्ति का लॉजिक ही यही है कि इस मूर्ति के लॉजिक से अधिकतर लोगों को डाउट रहता है ये मूर्ति है किसकी। तो कभी कभी इस मूर्ति के लिए कहा जाता है कि ये मूर्ति नगर के पुजारी की थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि नगर के पुजारी की या मेन जो राजा पुरोहित था पूरे नगर का, उसकी मूर्ति है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगर हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा ठोस जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, अगर शक्तियों के केंद्रण की बातें करें तो जानकारी हमको प्रॉपर नहीं मिलती। कुछ पुरातात्विक लोग क्या बोलते हैं, देखो कुछ पुरातात्विक लोगों की राय यह है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था, मतलब कोई राजा नहीं था उनका, वो व्यापारियों का मिलाकर एक क्या था, एक संगठन था जो व्यापार करता था। देखो समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा दिया जाता था, ये बात कही गई है कुछ लोगों के द्वारा, वहां पर राजा नहीं थे। कुछ पुरातात्विक लोगों की राय क्या है कि शासक मौजूद थे जो विभिन्न शहरों में हड़प्पा शहरों के शासन करते थे, क्योंकि वो पुरोहित की मूर्ति जो मिली है वो इसका एक प्रूफ है। अब धर्म की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अंदर धर्म की बात करते हो, देखो ध्यान से, टेरिकोटा की लघु मूर्तियां, एक महिला का चित्र पाया गया है जिसमें वह एक लघु मूर्ति है जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, क्योंकि अब आपको बहुत सारे यूनिक यूनिक फोटो देखने को मिलेंगे, ठीक है। धर्म की बात करें, कौन से धर्म था, देखो
ध्यान से देखो, टेरिकोटा का लघु मूर्तियों की बात करें तो वहां पे कुछ मिट्टियों की धातुओं की मूर्तियां इस प्रकार से पाई गई, जिसके अंदर एक एक महिला की मूर्ति पाई गई जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधे निकल रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि हड़प्पा पृथ्वी के उर्वरता को देवी मानते थे, मतलब वो भू को या बोल सकते हैं जमीन को या फिर धरती को या फिर पृथ्वी को क्या बोलते थे, उर्वरता की देवी, जिसके कारण फसल क्या हो रही, उत्पादित हो रही है। इसी कारण किसकी पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिस्र के लोग किसकी पूजा करते थे, नील नदी की, उनको पता था कि उनके लिए नील नदी ही सब कुछ है। इसी प्रकार से हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे, जमीन की पूजा करते थे, याद रखना। ठीक, अब देखो, पुरुष देवता के रूप में मोरों पर तीन संगी चित्र भी पाए गए जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए, तो मतलब उनके पास में, ध्यान से, अगर सत्ता की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सत्ता थी, तो आप इसके अंदर महिला सत्तात्मक, मतलब महिला सत्तात्मक थी, क्योंकि इसके अंदर आपको देखो पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना है, लघु मूर्तियां मिली है जिसके महिला के गर्भ से क्या निकल रही है, पौधे निकल रहे हैं। तो इस कारण से महिला सत्तात्मक बोल सकते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर कहीं कहीं पे पुरुष के देवी देवताओं के रूप में मोहरे भी मिली है, जिसमें क्या है, पुरुष बैठे हुए योग की मुद्रा में, और ठीक है अलग अलग चित्र देखेगा। जैसे देखो ये वाला पहला वाला पार्ट है, ठीक है, महिला का बैठा हुआ चित्र देखो, ये बताता है कि एक एक अलग ही दिख रहा होगा आपको, एक एक सिंहासन पे बैठी हुई एक महिला है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये क्या है, एक आपका महिला सत्तात्मक जो क्षेत्र है हड़प्पा काल का होना वो बताता है ये अगर आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है आपका, ये डांसिंग, इसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति। और ये मूर्ति की खास बात क्या है, ये कांस्य की मूर्ति है बेटी, और ये योग करते हुए मैंने जो बताया वो मूर्ति पुरुष की, तो ये भी ध्यान रखो आप। चलो आगे बढ़ते हैं, देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा और सिंहासन के पीछे भैंसा, तो इससे क्या पता चलता है, ध्यान से, इससे पता चलता है कि उनके पैरों के पास दो हिरणों के चित्र भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको क्या पशुपतिनाथ देवता की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग, स्त्री जनन, मतलब जो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे पत्थर भी मिले हैं जिसके अंदर, ठीक है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं आपके मेल और फीमेल्स के, उनके भी चित्र बने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, वो लोग इस चीज़ों से भी परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों पशुओं का पूजन करते थे, मतलब वो किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, ये बात ध्यान रखना, किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की। ये बार बार पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, वृक्षों की, पशुओं की, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तो एक सींग वाला गेंडा, दूसरा कुबड़ वाला सांड, जो मैंने बताया था, एक श्रृंगी पशु, क्या बोलते हैं इसको, एक श्रृंगी पशु, ठीक है। हड़प्पा की मोहर थी, याद रखना, हड़प्पा की सील थी एक श्रृंगी पशु। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी मिले, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्या मिले, ताबीज की मात्रा में ताबीज भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा की बात की जाए तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, अब आखिरी पॉइंट आ गया है बेटा। देखो मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से एक एक करके सारी चीज़ आपको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको परिचय से शुरू किया था, परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, नगरीय योजना, कृषि, अर्थव्यवस्था, शिल्प कला, धर्म, और कहाँ आ गए, अब हम पतन पर आ गए, कैसे सभ्यता भली भूली सभ्यता जो थी इतनी अच्छी, उसका एंड कैसे हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया, एंड हो गई, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी क्या है, विवादित है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है कि उसका पतन कैसे हुआ है। तो अब जितने भी यहाँ पर कारण हो सकते हैं वो सारे ही कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो देखो एक सिद्धांत का यह कहता है कि इंडो यूरोपियन या बोल सकते आर्य, एक कारण क्या है कि जब आर्यों के साथ या फिर इंडो यूरोपियन लोगों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार था, तो उन लोगों को लगा होगा कि यार ये लोग हमसे व्यापार करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये लोगों के पास में सारी फैसिलिटी है, तो चलो आक्रमण करके ये लोगों पे कब्जा कर लेते, ताकि वहीं से हम लोग क्या करेंगे, वहीं से हम लोग रुक कर व्यापार करेंगे। तो ये रीजन हो सकता है, एक सिद्धांत के अनुसार आर्यों ने आक्रमण किया था सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर और आक्रमण करके उनको हरा दिया था, ये एक रीजन है, ठीक। अगर इस विजय की बात करें तो आर्यों की विजय का कारण क्या था, रथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक।
अब देखो आगे, एक रीजन ये हो गया। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद संस्कृतियों में ऐसे तत्व पाए गए जिसमें यह सिद्ध होता है कि सभ्यता पर आक्रमण का एकदम विलुप्त नहीं हुई। मतलब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भी आपने एक बात नोटिस करी कि बहुत सारे अलग अलग ऐसे राजा, अलग अलग लोग हुए कि जिनके ऊपर आक्रमण हुआ है, अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया है, पर वो सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये रीजन ना होकर कोई और रीजन होगा, अलग अलग रीजन है बेटा। तो ये एक रीजन बताया कि इसका प्रूफ ना होने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं इसके पहले भी अलग अलग सभ्यताओं पे, अलग अलग राजाओं के ऊपर हमले हुए, पर पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट देखो क्या है। दूसरी तरफ बहुत से लोग क्या मानते हैं, तो प्रकृति जन्य मतलब नेचुरल वे के अंदर डिजास्टर था जिसके कारण सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो समाप्त हो गई। अब नेचुरल समस्या क्या थी, एक तो देखो पहला प्राकृतिक कारण भूगर्भीय जलवायु परिवर्तन, हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ हो उस समय, इस कारण से वहाँ पे क्या हुआ, रहने की कंडीशन क्या है प्रॉपर नहीं बन पाई हो, अनुकूल नहीं हो पाई हो, इस कारण से उन्होंने जगह छोड़ दिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनी के क्षेत्र में आता है। मतलब आपका प्लेट टेक्टोनिक एरिया के अंदर आप देखेंगे बेटा, तो ध्यान से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो जुड़ती है कहाँ से, आपके यूरेशियन प्लेट से। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद भूकंप वगैरह आया हो यहाँ पे उस समय बड़े लेवल पे, जिसके कारण पूरी सभ्यता कहाँ चली गई, जमीन के अंदर चली गई। ठीक, एक रीजन ये भी है। एक क्या है, तो देखो प्राकृतिक वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी कह सकते हैं। मतलब जो पानी गिरता है हर साल, हो सकता है किसी साल अत्यधिक पानी गिर गया हो, अत्यधिक पानी गिरने के कारण क्या आई हो, बाढ़ आई हो, तो ये भी एक रीजन हुआ प्राकृतिक वर्षण। आगे देखते हैं और पतन के कारण क्या हो सकते हैं। एक अन्य कारण क्या है वो भी देखो, तो एक अन्य कारण क्या है, नदियों के द्वारा अपने मार्ग को बदल लेना। मान लो नदी इस प्रकार से बहती हो, नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया हो, तो बीच में इसी पूरी सभ्यता के ऊपर से नदी जब बहकर गई हो तो पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया हो, ये भी एक रीजन हो सकता है नदियों के द्वारा मार्ग बदलना। जैसे आप अभी देखते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी क्या करती है, अपने मार्ग बदल लेती है, बीच के पूरे हिस्से को प्रभावित कर देती है। ठीक, इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से परंतु निश्चित कारण माना जाता है। मतलब जितने भी मैंने कारण बताया उसमें प्राकृतिक कारण को ज्यादा प्रूफ्ड, ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है। अब आज मैंने आपको इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, मैंने यहाँ पर क्या चीजें छोड़ी है, मैंने आपको कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था और कौन से नगर की जो खोज है वो किसने करी थी, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। इसका चार्ट मैं अपने ग्रुप पर आपको आज डाल दूंगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ मज़ा ज़रूर आया होगा आप लोगों को पढ़कर। 45 दिन का कोर्स है, देखो बेटा 45 दिन के अंदर अगर आपका एसआई की तैयारी अगर हम करवा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी एफर्ट चाहिए रहेगा। लेक्चर डेली रहेगा एक आपका, ठीक है, जीके का, और आपको बस करना क्या है, रोज फॉलो करना है और लेक्चर को कंटिन्यू करते जाना है। 45 दिनों के बाद आप खुद से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि तैयारी मेरी है या नहीं है, आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। बस करना क्या है, करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके लिए कमेंट, और इसी वीडियो को लेकर कोई भी सजेशन रहे तो कमेंट करके जरूर जाए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम कल। जय हिंद, जय भारत।